और सुरक्षित पहुँचे घर पर। क्या लाइन लाइन को ध्यान में रखते भरत जी ने हेलमेट लिया है पर कहा नहीं। और ये हमारे शुभम शर्मा जी जो फोटो देने के लिए सामने आए और प्रियांशु जी इनके पैदल चल रहे हैं। आज हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिपल आईटी से एयरपोर्ट जा रहे हैं देखने के लिए। हम जा रहे हैं उसमें हमारे मित्र प्रियांशु जी और हमारे दूसरे मित्र शुभम शर्मा जी। गालियाँ लगवा दी हैं ताकि अचानक से कोई भी हाँ तो आप बोलिए। हेलो आइए 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 आप हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। नहीं नहीं चलते हुए आप चलते हुए आपका भैया कहाँ जा रहे हैं? ओके ओके प्रस्थान कर रहे हैं। भरत जी की इच्छा थी कि वो जगह देखनी है तो हमने कहा आपको वो जगह दिखा दें। क्या आपको हवाई जहाज वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ पे? हवाई जहाज बिल्कुल देखने को मिलेंगे, अंदर तक जाने देते हैं। मतलब हवाई जहाज से 5 मीटर पहले रेस्टोरेंट वगैरह कुछ इधर रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप ऐसे कुछ जहाँ पे चाय वाय ऐसे कुछ मिलता है? अभी लास्ट बस तक मैं जब आया था तब इधर रोड पे कुछ नहीं था, अंदर एयरपोर्ट की तरफ हो सकता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके क्योंकि सुनने में आया कि जैसे कि आप लेके आए हैं सब कुछ चाय पिलाएंगे। हाँ हाँ चाय बिल्कुल चाय पिलाएंगे। नहीं शर्मा जी ऐसे तो बहुत दिलेर इंसान है। हाँ प्रियांशु जी आप आ जाइए। नहीं बोलो आज वो पहले ही पिला चुके हैं। नहीं नहीं हम उनको चाय पिलाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बस उनसे ये जानना चाहेंगे थोड़ा कि आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम नेचर से बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ और आगे चल के एयरपोर्ट आने वाला है तो आप जैसे 2 किलोमीटर। प्रियांशु जी एक सवाल आपसे, आप कपल्स को क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? कपल्स को मैं यही कहना चाहूँगा वो आएँ और इस रोमांटिक प्लेस का एंजॉय करें। मुझे लगता है कि जबलपुर में ये मोस्ट रोमांटिक प्लेस। ओके ओके थैंक यू सो मच फॉर योर खमरिया के लिए। अच्छा यही बताया था शायद पप्पू भैया की शादी में जाने के लिए यही रास्ता था ये जब तो ये नेरा वाला रास्ता है ये बच्चे कुछ यहाँ पे फोटो क्लिक करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। अब यहाँ से एयरपोर्ट अब दिखाई देने लगा है। यस ओके अब हम बिल्कुल एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं। अंदर तक चलेंगे अंदर तक। हाँ हाँ बिल्कुल अंदर जाएंगे भाई जाने देंगे वहाँ तक चलेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं ज़्यादातर कपल्स ही आते हैं। और ये जो सामने का दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे खमरिया रांची हो सकता है। जूम करना नहीं वैसे नहीं होगा। भरत जी शुभम को दे दो मोबाइल। नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक ज़्यादा है इधर? नहीं है भाई कुछ भी नहीं की टेंशन। एग्जैक्ट नहीं पता होटल है या कॉलेज है? क्या क्या बन रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है? मेडिकल कॉलेज बता रहे भैया पे उनसे। अच्छा मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पर? अच्छा मतलब कॉलेज टाइप कुछ बन रहा है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बट लेकिन यार यहाँ का व्यू अच्छा है बहुत। जूम आउट करना। जूम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब हमें गार्ड भैया ने परमिशन दे दिए जाने के लिए, पहले रोक रहे थे लेकिन अब उन्होंने परमिशन दे दिया आप अंदर जा सकते हैं। नाउ वेलकम टू जबलपुर एयरपोर्ट। यस यस यू आर वेलकम ब्रो। हाँ प्रियांशु जी चलिए अब हम लोग जबलपुर के गेट से एंट्री कर चुके हैं। सीमा में एंटर कर चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सफाई है यहाँ पे, काफ़ी सफाई है और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। ग्रीनरी हाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। शर्मा जी आप यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? आ चुका है यहाँ पे। और ये शर्मा जी तो यहाँ पे ये समझ लो आपकी सबसे ज़्यादा मक्कड़ आदमी है। बावनवीं बार। अच्छा हाँ शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे, आप यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं इसके पहले? अच्छा ऑलरेडी आप 51 टाइम्स आ चुके हैं यहाँ पे? 30 बार मैं मॉर्निंग में आया हूँ और 22वीं बार मैं इवनिंग में आ रहा हूँ। वाओ वेरी नाइस। और मेरा टारगेट है कि जब तक मेरा पीएचडी कंप्लीट हो मैं सेंचुरी मार के जाऊँ यहाँ। वाओ वाओ इसलिए आप इतना फिट रहते हैं। वाओ
फिट रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, नहीं रहते हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये टोल नाका है, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मतलब एयरपोर्ट बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे साफ़ सफाई के मामले में जबलपुर बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट में तो यहाँ पे नहीं नहीं आप अंदर नहीं, अंदर ले जा सकते हैं। हाँ नहीं ले जा सकते, अंदर ले जा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग है, आप यहाँ पर आके अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। आप सपोज करो फोर व्हीलर से भी आते हैं तो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, कार पार्किंग है। दोस्तों के साथ यहाँ पर जबलपुर एयरपोर्ट आ चुके हैं। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर का व्यू बहुत अच्छा है और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है, एकदम ठंडी हवा बह रही है बिल्कुल। रुको भाई, मैं भी चल रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुके हैं सामने, आप यहाँ से मेन गेट है, यहाँ पे हम यहाँ पे मेन गेट है अंदर जाने का, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अच्छा, ये नया टर्मिनल बन रहा है और पुराना वाला, ये वाला टर्मिनल है पुराना वाला।